हेलो माय डियर्स, वंस अगेन आई एम ओवर हियर विद यू चैप्टर फोर क्लाइमेट पार्ट सेकंड। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके हाजिर हूँ चैप्टर नंबर फोर क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी का क्लाइमेट जलवायु, उसका पार्ट सेकंड। तो कल तक हमने पढ़ लिया था क्या क्या वेदर और क्लाइमेट क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसके लिए क्या क्या कारक हैं, और एयर प्रेशर, हीट टेम्परेचर, ठीक है, और जो करेंट्स होती हैं ओशियनिक करेंट्स, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो भारत में, व्हाट अबाउट इंडिया, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, भारत में कौन कौन से फैक्टर हैं जो भारत की जलवायु को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो आइए उनके बारे में स्टडी करते हैं। सो लेट्स कम, फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये कहाँ से पास होता है, भारत के मिडिल, फ्रॉम द रण ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट, पश्चिम में ये रण ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में, यहाँ से लेके ये पूर्व में मिजोरम तक इस हिस्से को कवर करती है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लगभग जो हमारा आधा भारत है, हाफ कंट्री है, ये कहाँ पड़ता है, लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ये लाइन गुजरती है इसके दक्षिण में पड़ता है, बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। ओके, ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, बाकी जो शेष इसका उत्तर का हिस्सा बचता है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स, ठीक है, ये सब ट्रॉपिक्स में पड़ता है। Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. इसलिए भारत का जो क्लाइमेट है उसकी दोनों ही व्यवस्थाएँ हैं, विशेषताएँ हैं, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। तो ये जो अक्षांश होते हैं, लेटीट्यूड्स होते हैं, ये भी कारक होते हैं भारत की जलवायु में। नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड्स, कोई भी प्लेस, कोई भी स्थान कितना ऊँचा है। इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू नॉर्थ, भारत में सबको पता है उत्तर की तरफ क्या है, माउंटेन्स हैं, विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स, जिनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर्स है। इंडिया हैज ऑल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरियाज, और भारत में माउंटेन के साथ साथ बहुत बड़ा तटीय क्षेत्र भी है, वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर्स, जहाँ अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर्स, ओनली 30 मीटर्स। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड वाइंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सबकॉन्टिनेंट, और हिमालय क्या करता है, एशिया की तरफ से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं, कोल्ड वाइंस, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से, उनको भारत में एंटर होने से रोकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट इट सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट इज प्रेशर एंड वाइंड्स, जो हवाएँ होती हैं और दाब, वायु दाब एंड वाइंड्स, तो उनका क्या इफेक्ट होता है क्लाइमेट पे। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय या फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भारत में जो जलवायु है या उसकी जो अवस्थाएं हैं, कंडीशंस हैं, ठीक है, तो वो निम्नलिखित एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी हैं, प्रेशर एंड सरफेस वाइंड्स, वहाँ का प्रेशर कैसा है, ठीक है, और जो सरफेस वाइंड चलती है, अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपर की हवाएं हैं उनका सर्कुलेशन कैसा है, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो पश्चिमी चक्रवात आते हैं और कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उसका डिफरेंस पड़ता है। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली वाइंड्स, भारत कौन से रीजन में पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्ली वाइंड्स में आता है। दीज वाइंड्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्थ, तो ये जो वाइंड्स आती हैं कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से बेल्ट ओरिजिन होती हैं नॉर्थ की तरफ। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, दे ब्लो साउथ एंड गेट डिफ्लेक्टेड द राइट ड्यू टू द कोरिओलिस फोर्स, फिर ये कहाँ बहती हैं, दक्षिण की तरफ बहती हैं, और बाद में कोरिओलिस फोर्स के कारण ये दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है, ठीक है, फिर कहाँ चली जाती हैं, एंड मूव ऑन टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, तो जो विषुवत रेखा के आसपास निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है वहाँ पे चली जाती है। जनरली दीज वाइंड्स कैरी लिटिल, वेरी लिटिल मॉइस्चर, सामान्य रूप से ये हवाएं बहुत ही कम मॉइस्चर को लेके जाती हैं।
एज ए ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, ठीक है, क्योंकि जैसा है वो ऐसी ही ज़मीन पे ब्लो होती हैं। देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, इसलिए ये बहुत ही कम या बिल्कुल वर्षा नहीं लेके जाती हैं। हेंस इंडिया शुड बी हैव बीन एन एरिड लैंड, तो इस प्रकार भारत को कैसी ज़मीन होना चाहिए, शुष्क ज़मीन, बट इट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट अस सी वाई ऐसा क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू नो अबाउट कोरियोलिस फोर्स। व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स? कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? एन अपेरेंट फोर्स कॉज बाय द अर्थ रोटेशन, एक ऐसा बल है, एक प्रकार का बल है, ठीक है, जो किसके कारण उत्पन्न होता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, ये आभासी बल होता है। द कोरियोलिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड द राइट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये कोरियोलिस फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल होता है जो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं आती हैं, ठीक है, तो उसके दाहिनी तरफ ले जाने में, एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाओं को किस तरफ धकेलता है, बाएं की तरफ, और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ धकेलता है। दिस इज आल्सो नोन एज फेरल्स लॉ, इसको फेरल का नियम भी कहा जाता है। ओके, तो आई होप कोरियोलिस फोर्स आप समझ गए होंगे, ये पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, इसको आभासी बल कहते हैं, और ये जो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं होती हैं उनको दाहिनी तरफ धकेलता है और दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को बाईं तरफ धकेलता है। लेट्स कम टू नो कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इसमें हम कोरियोलिस फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, वही सच थिंग हैपन, दिस इज अवर ग्लोब, ओके, एंड दिस इज इक्वेटर, जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है, तो ये हमारा है साउदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो पृथ्वी कैसे मूव करती है, रोटेशन का डायरेक्शन क्या है हमारी अर्थ का, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वास्तविक स्थिति से, एक्चुअल पोजीशन से इक्वेटर की साइड में जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर से, तो वो लेफ्ट साइड में टर्न होने लगता है, और इसके जस्ट अपोजिट कोई ऑब्जेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से इक्वेटर की साइड जाता है तो साउथ की अपने राइट की साइड में टर्न होने लगता है, ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वास्तविक स्थिति से दक्षिणी गोलार्ध में इक्वेटर के साइड में जाता है तो वो धीरे धीरे लेफ्ट साइड में टर्न होने लगता है, और उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वास्तविक पोजिशन से जाता है तो धीरे धीरे वो राइट साइड में टर्न होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ओके, इसी फोर्स को, इसी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। ओके, द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक, भारत में जो दाब है, ठीक है, और हवाओं की कंडीशन है वो कैसी है, यूनिक है, अद्वितीय है। ड्यूरिंग विंटर देर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालय, जब सर्दियां आती हैं तो हिमालय के उत्तर में कैसा प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर, उच्च दाब क्रिएट होता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियंस टू द साउथ, होता क्या है, तो जो ठंडी हवाएं होती हैं, ठंडी और शुष्क, कोल्ड एंड ड्राई विंड्स, ये यहाँ से बहती हैं, ब्लो फ्रॉम द दिस रीजन, वो इस रीजन से बहती हैं, कहाँ,
लो प्रेशर एरिया की तरफ ओवर द ओशियन टू द साउथ, दक्षिण की तरफ जो महासागर हैं उसके ऊपर, वहाँ चूंकि लो प्रेशर होता है तो वहाँ की तरफ ही बहने लगती हैं हवाएं, जो होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, तो इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड ओवर इंटीरियर एशिया। और जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में क्या होता है, एशिया का जो आंतरिक हिस्सा है, अंदर का भाग है, वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और इसके साथ साथ जो उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ भी लो प्रेशर क्रिएट होता है। दिस काजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वाइंस ड्यूरिंग समर, इसलिए गर्मी में जो हवाएं चलती हैं उनकी दिशाओं में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। ओके, एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडिया, जो हवाएं होती हैं वो कहाँ से मूव करती हैं, एयर मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशियन। ये हाई प्रेशर से जो हिंद महासागर है दक्षिणी भारत का उसके ऊपर से ब्लो करती हैं इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, ठीक है, उत्तर पश्चिमी दिशाओं में, एंड क्रॉसेस द इक्वेटर, और ये जो इक्वेटर है उसको क्रॉस कर जाती हैं, एंड टर्न्स राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर, और यहाँ से विषुवत रेखा को क्रॉस करने के बाद ये दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, ऐसे क्षेत्रों की तरफ जहाँ निम्न वायुदाब होता है ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो भारतीय महाद्वीप में जहाँ भी निम्न वायुदाब होता है उधर से दक्षिण पश्चिम से आने वाली जो हवाएँ होती हैं वो दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद। दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून वाइंस, इन हवाओं को साउथ वेस्ट मानसूनी वाइंस कहा जाता है। दीज वाइंस ब्लो ओवर द वार्म ओशियंस, और ये हवाएं कहाँ से होके बहती हैं, वार्म ओशियंस के ऊपर, गेदर मॉइस्चर जब उसके ऊपर से बह के आती हैं तो अपने साथ बहा के क्या नमी लाती हैं, एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया, और भारत का जो मुख्य भूभाग है उस पर ये वर्षा कर देती हैं। द अपर एयर सर्कुलेशन, जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर का एयर का सर्कुलेशन है, एक तो धरातल का जो हमारी लैंड की लैंड ब्रिज चलती हैं, एक तो जो लेयर्स होती हैं हमारी ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, तो जो अपर लेयर का सर्कुलेशन होता है ऊपर की हवाओं का सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाई अ वेस्टर्ली फ्लो। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा डोमिनेट किया जाता है, पश्चिमी प्रवाह के द्वारा, वेस्टर्ली फ्लो के द्वारा। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इन हवाओं के बहने का वो है जेट स्ट्रीम, मीन्स जेट धाराएं फ्लो होती हैं। दीज जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली ओवर 27 टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और ये जो जेट धाराएं होती हैं कहाँ लोकेटेड होती हैं, 27 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो ये जो जेट धाराएं होती हैं इसके मध्य में लोकेटेड होती हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसीलिए इन्हें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ओवर इंडिया दी जेट स्ट्रीम फ्लो साउथ ऑफ द हिमालय, तो ये जेट स्ट्रीम कहाँ बहती है, हिमालय के दक्षिण में बहती है। ऑल थ्रू द ईयर एक्सपेक्ट इन समर, पूरे साल ये जो जेट स्ट्रीम होती है हिमालय के साउथ में बहती हैं गर्मियों को छोड़ के। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और ब्रॉट इन दिस इन बाई दिस वेस्टर्ली फ्लोस, ठीक है, भारत में जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, ये जो वेस्टर्ली फ्लोज करेंट्स होती हैं जेट स्ट्रीम होती है इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, गर्मियों में क्या होता है जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स होती हैं ये हिमालय के नॉर्थ में मूव कर जाती हैं विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर से बहती हैं। इंडिया अप्रॉक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग समर मंथ्स, गर्मियों के दिनों में लगभग ये उत्तर की तरफ 14 डिग्री नॉर्थ उत्तर की तरफ
प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये जेट स्ट्रीम, दिस इज ऑल अबाउट जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम्स होती क्या है? दीज आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। ये एक नैरो बेल्ट, संकरी पट्टी होती है हाई एल्टीट्यूड्स, बहुत ही ऊंचाई पे, नियर अबाउट अबव 12,000 मीटर, इससे भी अधिक ऊंचाई पे ये बनती हैं। वेस्टर्ली वाइंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ये कैसी हवाएं होती हैं? पश्चिमी हवाएं होती हैं जो बहुत ही अत्यधिक, जैसे कि हमने बताया, हम जो पृथ्वी के अलग अलग इन्वायरमेंट में लेयर्स हैं, ठीक है, उसी में एक लेयर्स होती है ट्रोपोस्फेयर, तो उस वहीं पे ये बनती है। देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर आवर इन समर एंड टू अबाउट 184 किलोमीटर आवर इन विंटर। और इनकी जो गति होती है वो वेरी करती है, गर्मियों में नियर अबाउट 110 किलोमीटर होती है एंड विंटर्स में नियर अबाउट 184 होती है। अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम हैव बीन आइडेंटिफाइड, बहुत सारी सेपरेट जेट स्ट्रीम को आइडेंटिफाई किया गया है, पहचाना गया है। द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड्स, इसमें जो सबसे स्थिर जेट स्ट्रीम है वो मिड लैटिट्यूड्स एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय जिसको कहते हैं, तो ये बहुत स्टेबल मोस्ट कॉन्स्टेंट जेट स्ट्रीम है, ओके। ये भारतीय मानसून, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाई मानसून विंड्स, भारत का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो बहुत अधिक प्रभावित होता है मानसूनी हवाओं से। द सेलर हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फेनोमेनन ऑफ द मानसून, वे सेलर, वे नाभिक जो सबसे पहले भारत आए, ठीक है, तो उन्होंने भारत की मानसूनिक घटना कैसी है इस पे ध्यान दिया, ठीक है, नोटिस द फेनोमेनन ऑफ द मानसून। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द वाइंड सिस्टम एज दे केम बाई सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ वाइंड्स, क्योंकि जो हवाएं हैं इनको ध्यान दिया और इन हवाओं की दिशा के पलट जाने के कारण ही उनको लाभ हुआ, ठीक है, दे बेनिफिटेड, क्योंकि हवाओं के द्वारा ही वो यहाँ आ पाए। द अरब्स हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द वाइन सिस्टम मानसून, तो जो अरब व्यापारी भारत आए उन्होंने ही जो पवन हवाओं की गति है इसको वाइन सिस्टम मानसून, रिवर्सल ऑफ वाइन सिस्टम मानसून ऐसा नाम दिया।